इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमेशा भर भर के मेकअप नहीं करना होता कभी कभी आपको सटल बेस भी करना होता है ये देखो कितना सुंदर लग रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को इसे मैं सेलिब्रिटी मेकअप भी कह सकती हूँ तो सबसे पहले मैं उनका फेस को ना अच्छे से क्लेंजिंग करूंगी वही मैंने वेट पाइप लिए हैं अभी आप इनका जब क्लोजर लुक देखोगे आपको पता चलेगा कि इनके फेस पे थोड़ा टेक्सचर ज्यादा है छोटे छोटे से पिंपल्स भी थे बट कोई चक्कर नहीं है यार हम तो अपना बिना फिल्टर के मेकअप दिखाएंगे पूरा मैंने इनके फेस को क्लीन कर लेना है आईज वाला पार्ट भी करना होता है क्योंकि हम आई मेकअप करते हैं वहां पे तो थोड़ा जो एक्सेस ऑयल वगैरह आ गया वो भी हटाना है सेकंड स्टेप मैं रटवाई चुकी हूँ आप लोगों को हमेशा टोनर यूज करना होता है सी का जो पार्ट होता है तो इसमें मैंने पूरे फेस पे टोनर मार दिया है अब ऐसे नहीं कि वहां भग्गी हो रखे मुझे कहीं जाना है तो मैं जल्दी जल्दी करूँ नहीं थोड़ा सा उसको टाइम दो उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगाते हो अब मॉइस्चराइजर मैश, जो होता है ना यार वो पूरे स्किन पे आपको स्प्रेड करना होता है अब आप देखो मैंने ब्रश लिया है पहले उसको अच्छे से मैं पूरे स्किन पे स्प्रेड करूंगी एंड देन बाद में ना मैं हाथों से उसको मसाज कर करके अब्जॉर्ब करवाऊंगी उनकी स्किन में और यार ये इतनी ज्यादा ड्राई स्किन है ना अभी ये ट्यूटोरियल मैंने सर्दियों में ही शूट करा अभी थोड़े दिन पहले दस दिन पहले तो इनकी सर्दियों में स्किन और ज्यादा ड्राई हो गई थी तो अगर आपकी भी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई है ना तो मेरे कहने पर ये मॉइस्चराइजर जरूर ट्राई करो आपका बेस बहुत हाइड्रेटेड रहेगा और आपको बहुत मजा आने वाला है अब इसके बाद मैंने वही उसको पूरा स्प्रेड करने के बाद मसाज करना है मॉइस्चराइजर तब आपकी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्व होता है जब आप उसको अच्छे से मसाज करके स्किन में डालते हो अब आप ये करो कि बस मॉइस्चराइजर लगा दिया है और फटाफट फटाफट अपना मेकअप स्टार्ट कर दोगे मेकअप खराब हो सकता है तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखा करो जब भी आप मेकअप कर रहे होते हो इसके बाद इनके थोड़ा टेक्सचर है पोर्स भी है तो मैंने यहाँ पे बेनिफिट का जो है प्राइमर लिया है और प्राइमर से ना आपको मसाज करनी होती है ऐसे नहीं होता कि बस प्राइमर लिया लगा दिया और बस छोड़ दो नहीं उसको मसाज दो देखो इनके नोज एरिया पे मैं कितने प्यार से धीरे धीरे मसाज दे रही हूँ इनका जो चीक्स वाला एरिया है, है वहां पे भी मैं बड़े प्यार से इनको मसाज दूंगी जहां पे भी आपको लगता है ना कि आपके टेक्सचर है या पोर्स ज्यादा ज्यादा है वहां पे आप उसको मसाज दे सकते हो नेक्स्ट स्टेप में मैं मैक का स्ट्रॉप क्रीम जो है वो यूज करती हूँ मैक का स्ट्रॉप क्रीम जो है मैं फिर से वही ब्रश लूंगी और उसको पहले स्प्रेड करूंगी मैं ना यार मैं आपको सही बता रही हूँ मैं हाथों से इतना ज्यादा प्रोडक्ट लगाती ही नहीं मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे मेकअप में ना सिक्सटी सेवेंटी परसेंट जो काम है ना मैं सिर्फ ब्रशेस से ही करूं हाथों का यूज बाद में हो तो आप देख सकते हो मैंने अपना मॉइस्चराइजर लिया है ब्रश से उसको स्प्रेड कर रही हूँ अच्छा अब इस स्ट्रॉप क्रीम का यूज क्या होता है आप खुद नोटिस करो जैसे स्ट्रॉप क्रीम लगाई कि फेस पे शाइन आने लग गई है तो जो शाइन होती है ना उसका काम तो स्ट्रॉप क्रीम करती ही करती है उसके अलावा आपको एक्सेस हाइड्रेशन भी देती है अब मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर करती हूँ अगर यहाँ पे ऑयली स्किन की होती ना तो मैं ये इतना क्रीम लगाती नहीं शायद मैं स्ट्रॉप क्रीम स्किप कर देती क्योंकि ऑयली स्किन की है बट शी इज वेरी ड्राई स्किन तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी मैंने स्ट्रॉप क्रीम लगाया है अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मैं अपना जो प्रोफेशनल बैच है ना उसमें क्वेरीज भी लेती हूँ सब बच्चों की और अच्छे से मेकअप सिखाया जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में इनके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा नहीं थे तो मैंने यहाँ पे एलिगल का जो करेक्शन है वो यूज कर रही हूँ जिसका शेड है वार्म हनी अब यहाँ पे मैं फिर से बता दू इनके स्किन पे इतना प्रॉब्लम्स थी ही नहीं तो मुझे लेयरिंग करने की एसज नीड ही नहीं है ना अब यहाँ पे कई लोग अभी भी सोचेंगे मैम ऑरेंज करेक्टर क्यों नहीं लगाया ऑरेंज करेक्टर इसे नहीं लगाया क्योंकि डार्क सर्कल कल इतने ज्यादा डार्क है ही नहीं एक सिंपल से जो आप देख रहे हो हनी जो शेड है इनका इनसे जो इनके करेक्शन हो सकता है जब तो मैं जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट क्यों लगाऊं सिमिलरली आप माउथ एरिया कभी भी मत छोड़ा करो यार कई लोग कहते हैं कि मैम करेक्शन करने के बाद भी मेरे जो है डार्क सर्कल्स या मेरा जो पिगमेंटेशन है वो दिखता है इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आप अपना माउथ एरिया छोड़ देते हो मैंने इनके देखो फॉरहेड पे भी लगाया है अंडर आईज पे भी लगा रखा है नोज एरिया पे लगा रखा है हमारा जो यहाँ पे कॉन्टोर वाला एरिया होता है ना वहाँ पे नेचुरल कॉन्टोर होता है लोगों के तो वहां पे भी लगाया करो उसको भी मत छोड़ा करो अदरवाइज वो बेस के बाद ना अलग से ही दिख रहा होता है अब यहाँ पे मैंने एक डैम्प ब्लेंटर लिया है और उसको आराम से धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूं आप जरा मेरा मोशन चेक करो मैं ऐसे बहुत जोर जोर से नहीं मार रही हूं मैं बहुत प्यार से धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि वो ना अच्छे से ब्लेंड हो जाए ज्यादा ज्यादा करोगे तो कई बार क्या होता है ना प्रोडक्ट भी हट जाता है और फिर आप कहते हो कि यार फिर भी हमारा तो बेस अच्छा नहीं हो रहा अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने क्या किया न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने अपने पैलेट में से एक ऐसा कंसीलर उठाया है जो एग्जैक्ट इनके शेड का होगा अगर मान लो मैं करेक्शन के ऊपर सीधा फाउंडेशन लगा देती तो वो हमेशा क्या करता है हल्का सा ऑरेंज पीक करता ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया और अपना जो कंसीलर है वो मैं पूरे फेस पे लगा रही हूँ तो ये जो कंसीलर है ये इनके एग्जैक्ट शेड का है अब मैं ना यहाँ पे स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि आपने ये नहीं करना होता कि पहले प्रोडक्ट लिया और सीधा पूरा चिपका दिया नहीं ये मैं उनको टेस्ट करके दिखा रही हूँ मैं बार बार दिखाऊंगी कि देखो यार आप बताओ इनका नेक एरिया और इनका फेस मैच हो रहा है क्या इनका मैच हो गया था तो मैंने बड़ा ब्रश लिया और अगेन पूरे फेस पे स्प्रेड करना है देख लो कभी भी ये मत करना कि आपने फिंगर लिया और फिंगर से आप इनके फेस पे डॉट डॉट बना रहे हो नहीं यार बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता ये तो आपने ब्रश लेना है और अच्छे से पूरे फेस पे जो कंसीलर है उसको ब्लेंड करना है इतना प्यार से ब्लेंड करो कि भाई मेकअप कराने वाले को भी मजा आ जाए अब यहाँ पे मैं अपना फेवरेट वाला जो फाउंडेशन है वो यूज कर रही हूँ अब यहाँ पे देखो यार आप खुद सोचो इनका फेस पे जब जरूरत ही नहीं है ज्यादा फाउंडेशन की तो मैं क्यों लगाऊ वो जब आप उस पैलेट में देख रहे हो ना उसमें सिर्फ एक पंप है जिसको मैंने ऐसे पूरा पैलेट में अ, मतलब थोड़ा सा फैला दिया है ठीक है क्योंकि ब्रश देखो कितना बड़ा है तो ये ज्यादा फाउंडेशन नहीं लगा जितना आपको दिख रहा है बस इतना ही फाउंडेशन है ये एक पंप जितना ही फाउंडेशन था जिसको मैं ब्रश से पूरे फेस पे स्प्रेड करने वाली हूँ एंड देन ब्लेंडर के थ्रू उसको ब्लेंड कर दूंगी और आप लोग नोटिस करो अभी आइस भूल जाओ क्योंकि आइस का थोड़ा सा हमने करेक्शन नहीं करा है बट इनका बेस देखो और एक बार इनका नेक चेक करो आप कहोगे की हाँ यार सिमरन ये तो पूरा मैच हो गया है क्योंकि भैया सिमरन को और आपको पूरा एग्जैक्ट मैच ही करके दिखाई कि कभी गोरा करते ही नियम क्लाइंट को ना आपको कभी सिखाएंगे ऐसा ऑल्सो यहाँ पे आप उनके जो बेस किया हुआ है उसमें शाइन चेक कर रहे हो ये शाइन वही है मैडम जो हमने स्ट्रॉप क्रीम लगाई थी तो स्ट्रॉप क्रीम का यही फायदा होता है ऑल्सो तो ड्राई स्किन है यार मैं कितना भी स्किन प्रेप कर लू अगर मैं ज्यादा ज्यादा लेयरिंग करूंगी ना तो दिक्कत पता ही क्या होती है दिक्कत ये हो जाती है कि ड्राई स्किन वालों के बहुत ज्यादा ज्यादा ना प्रोडक्ट लगाने के बाद बहुत लेयरिंग के बाद बहुत केकीनेस से आ जाती है यार तो वो केकीनेस ना आए इसके लिए मैं हमेशा स्ट्रॉप क्रीम लगाती ही हूँ ताकि हाइड्रेशन ज्यादा मिल सके अब यहाँ पे इनके फेस पे हम कॉन्ट्र करेंगे और कॉन्ट्रोल देखो कितना सा लिया है ऑल्सो एक बात बताओ जब हमारे क्लाइंट के फेस पे इतना कुछ ज्यादा है ही नहीं इतना कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं तो क्यों मैं क्यों जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा उनको शार्पनेस पे लेके जाऊं अब इनका क्लाइंट का फेस देखो आप ये मॉडल जो हमारी ऑलरेडी इतनी सुंदर है तो हमने बेस भी लाइट लाइट सा किया है इनके फेस पे इतना ज्यादा जरूरत ही नहीं है जब कॉन्टोर की तो मैं जबरदस्ती भर भर के नहीं लगाऊंगी ऑल्सो एक चीज आप खुद नोटिस करना जब आप कॉन्टोर ब्रश से लगाते हो ना आपकी मेहनत ना नाइनटी परसेंट अपने आप हो जाती है अब आप यहां देखो वहीं अगर मैं कॉन्टोर को एक लाइन के थ्रू बनाती जैसे मान लो मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया और लाइन बना देती उसको ब्लेंड करना मुश्किल होता है और वो ब्लेंडेड भी नहीं लगता बट जब यही काम आप किसी ब्रश से करते हो ना तो ब्रश से जब भी करोगे वो ऑलरेडी ब्लेंडेड ही होता है आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती यहाँ पे मैं इनकी थोड़ी सी नोज को है ना थोड़ा सा शार्प करने वाली हूँ और कॉन्टोर मैंने बहुत लाइट किया है बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं करा जितना आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे ना बहुत ज्यादा ज्यादा कर देते हैं मैं बहुत लाइट सा करती हूँ क्योंकि इनको नीट भी नहीं थी अब अगेन मैं ब्लेंडर लूंगी और जिसका आगे वाला पार्ट होता है ना उससे ब्लेंडिंग करूंगी यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी शुरू में बहुत गलती करते हैं मैंने कई लोगों को देखा ऐसे करते हुए वो ब्लेंडर का जो ये मोटा वाला हिस्सा होता है ना उससे ब्लेंडिंग करता है तो वो नहीं करना है अब इनके फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ये चीज मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ बट हाँ स्टूडेंट्स को सिखाने के पर्पज से मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा एरिया को हाईलाइट करना है ना तो आप कंसीलर लगा सकते हो अब अगेन आप पूछो कि मैम ये कंसीलर का शेड क्या है आप खुद ही देखो जब ये कंसीलर लगा है तो तो आपको लाइट लग रहा है ना आप तो आप जब भी हाईलाइटिंग करते हो आप अपने शेड से एक से दो शेड लाइट कंसीलर लेते हो और आप उससे हाईलाइट करते हो अब इसके बाद क्या होगा ना जहां जहां पर मैंने कंसीलर लगाया है ना वो वो एरिया जो होगा वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा अगेन मैम इंस्टाग्राम पे तो भर देते हैं इंस्टाग्राम पे भर देते होंगे पर भाई हम नहीं भरते हम डॉट डॉट से लगाते हैं थोड़ा कम ही लगाते हैं देन उसको ब्लेंड कर देते हैं अब लिक्विड ब्रश जो है यहाँ पे मैं ले रही हूँ ओटुओ का अब आप मेरा ब्रश चेक करो मैं छोटा ब्रश नहीं ले रही हूँ जो फ्लैट वाला होता है मैं थोड़ा सा फ्लफी सा ले रही हूँ और उसको भी मैं कैसे लगाऊंगी अगेन आपने सिर्फ ब्रश लेना है और ब्रश के थ्रू ही उसको अप्लाई करना है आपका अगेन नाइनटी परसेंट काम तो भाई ब्रश ही कर देता है अब बस ब्लेंडर लेना है उसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है अब यहाँ पे कई लोग पता है क्या करते हैं इतना जोर जोर से ब्लेंडिंग करते हैं ना कि उनका नीचे का बेस तक हट जाता है और फिर कहते हैं कि मैम अभी ब्रश लगाया था दिख ही नहीं रहा वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपका प्रेशर बहुत ज्यादा है अब यहाँ पे मैंने ये सब कर दिया बेस बड़ा सुंदर लग रहा है अब जो है इनका जो लाफ लाइन आती है क्रीज लाइन आ रही है उन सबको क्लीन करने वाली देखो यार मेकअप में ना लाफ लाइन क्रीज लाइन ये बाद में दिखती है बस वो दिख गंदी नहीं दिखनी चाहिए तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया कि वो जो प्रोडक्ट था ना उसको बस क्लीन करा यहाँ पे मैंने पाउडर सेटिंग के लिए लॉरम मर्सियर का जो लूज पाउडर है वो लिया एंड देन ये ट्रांसलूसेंट शेड है इसका मतलब अब उसके बाद मैंने जो ये पिज्जा पफ है उसके थ्रू मैंने उस उस एरिया में वो जो पाउडर है उसको सेट कर दिया है ठीक है अभी तक मैंने सिर्फ हल्का सा पाउडर लिया है एंड देन उसको एरियाज़ में डैप करा अब मैं क्या करूंगी पूरे फेस के लिए अच्छा खासा पाउडर लूंगी अपने पिज्जा पफ अब ये पिज्जा पफ भी बड़ा है क्योंकि एरिया ज्यादा कवर कर रहे हैं और पूरे फेस में हम उसको डाल देंगे अब आप देखो ये जो है ना बहन ये मेन स्टेप होता है ये मेन स्टेप इसलिए होता है कि अब ये बंदी अपने फेस पे जहाँ पे भी हाथ लगाएगी ना बेस नहीं हटेगा तो अगर मैं यहाँ पे फोन पे बात कर रही हूँ तो वो बेस नहीं हट रहा हाथ लगा रही हूँ बेस नहीं हट रहा तो इसीलिए आप कहते हो ना मैं वाटर तो वाटरप्रूफ का एक टेक्निक ये भी होता है कि आपको उसको पाउडर से बहुत अच्छे से, से सेट करना होता है यहाँ पे मैं इनकी ब्रॉजर यूज कर रही हूँ अब ब्रॉजर क्यों यूज करना है बहन क्योंकि जब आप पाउडर सेटिंग कर लेते हो तो ये सारा जो कुछ आपका फीचर्स होता है ना वो एक प्लेन कैनवस बन जाता है मतलब ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं फेस में तो जो नेचुरल टैन था मैं चाहती हूँ थोड़ा सा वापस से आ जाए इसलिए यहाँ पे मैं ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ और ब्रॉन्जर वहां वहां यूज होता है जहां जहां आपने कॉन्टोर किया होगा तो यहीं पे मैंने कॉन्टोर भी किया था तो यहीं पर मैं ब्रॉन्जर भी यूज कर रही हूँ और ये आई मैजिक का पैलेट है ब्रॉन्जर करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लश लगाया और आज के लुक में ना मैं नहीं चाहती कि मैं ब्लश को हैवी हेवी कर दू मतलब मुझे नहीं चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा है पिंकी ही कर दू बाद में देखेंगे अगर बढ़ाना होगा लेकिन ये मेरा बेस अभी आप देख लो आप इनके फॉरेड पे चेक करो जो छोटे छोटे से पिम्पल्स है वो तक दिख रहे हैं तो मैं तो कहती हूँ बहन मैं तो हमेशा बिना फिल्टर के डालती हूँ तो यही आपका एक्चुअल मेकअप होता है इसके बाद मेरे को बैकअ का हाईलाइटर बहुत पसंद है तो मैंने इनके हाई एंड जो है उनपे अपना हाईलाइटर अप्लाई करना है तो हाईलाइटर को अपलाई करने के लिए मैं इस तरीके का एक छोटा सा ब्रश लेती हूँ जो थोड़ा सा फ्लफी है अब मैं जो इनका ये टी एरिया होता है ना मैं तो इसको टी एरिया बोलते हैं एरो एरिया बोल सकते हो आइज के थोड़ा सा ऊपर और जो चीक्स वाला जो चीक बोन है मैं यहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई करती हूँ अब इससे क्या होगा ना जब आपके सामने कैमरा पड़ेगा ना तो एक अलग सा वी शेप बनता है मुझे बहुत पसंद है तो थोड़ा ग्लैम में आ जाता है वो देन मैं थोड़ा सा नोज पे हाईलाइटर लगाती हूँ चिन एरिया पे लगाऊंगी अपर लिप पे लगाऊंगी और पूरे फेस को फाइनली मैं सेट कर दूंगी तो यहाँ पे मैं वही प्रेप प्लस प्राइम यूज कर रही हूँ जो मैंने इनिशियली यूज किया था इसके बाद आप उसको थोड़ा सा ड्राई होने दो ऐसे मत करो कि चलो जी भागना है हमें भागना है थोड़ा सा इसको भी टाइम दो इसके बाद जो है हम आई मेकअप सिखाते हैं आपको जो बहुत इजी है बस टिके रहना तुम यहाँ तक आई मेकअप लिए सबसे मैंने इसको पाउडर सेट कर लिया है और ये आई मेकअप बहुत इजी होने वाला है सबसे पहले मैंने इनके आउटफिट में जो सबसे लाइटेस्ट पिंक कलर था ना उससे मैंने इनका ट्रांजिशन बिल्ड कर लिया और आप मैं देखो कि मैं कैसे उसको ब्लेंड कर रही हूँ आई मैजिक का जो मैंने लाइनर लिया और बहुत ही पतले से ब्रश से मैं ये लाइनर लगा रही हूँ मैं इसको बहुत ज्यादा विंगी विंगी शुरू में नहीं करूंगी विंग देने के बाद मैंने क्या किया ना एक डार्क पिंक कलर लिया जो थोड़ा सा पीच शेड में था मैंने उस शेड से इस काले काजल को ब्लेंड कर दिया यही था इस मेकअप में जो मेन चीज थी अब ये हुडा की मेरी फेवरेट पैलेट ली और इसका जो ये वाला शेड है ना शिमर का ये इनके लहंगे पे बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि ये ये वाला शेड इस लहंगे के लिए बना है आप खुद देखो मैंने पूरी आईस पे ये जो शिमर है अप्लाई कर दिया है और ये काफी सुंदर लुक दे रहा है अब ये आई मेकअप आप शुरू में देखोगे सोचोगी पता नहीं कैसे किया है बट अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ईजी है इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं तो मैं आपको शुरू से ही कह रही हूँ कि यार हमेशा आपको कट क्रीज स्मोकी या बहुत सारे लाइनर की जरूरत नहीं होती है इनर को खाली मत छोड़ा करो इनर के लिए यहाँ पे मैंने एक काजल लगाया है इनर पे जो लाइनर लगा दो ना तो आपको रियलाइज होगा कि यार ना एकदम कंप्लीट लग रही है अब मैं यहाँ पे ब्रोबोन को हाईलाइट करने वाली हूँ जिससे मेरी आईस थोड़ी सी बड़ी दिखे और मुझे तो ये मेकअप ना बहुत सुंदर लग रहा है मुझे फटाफट कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये मेकअप कैसा लगा इसके बाद यही मैंने नीचे जो है आइज में पहले व्हाइट काजल लगाया उसके बाद मैंने पिंक से ब्लेंड करा एंड देन जो शिमर है जो शिमर मैंने इनके आइस पे लगाया वही थोड़ा इनर पे भी डाल दिया अब आईब्रोज की बात कर लेते हैं इनकी आईब्रोज ऑलरेडी बनी हुई है और बहुत हैवी तो नहीं है पर डार्क है तो क्या मैं जबरदस्त इसको और डार्क करूंगी नहीं कैमरे पे भले ही थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो बट रियल लाइफ में ये भी थोड़ा सा डार्क हो गया था इसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करने वाली टू फेस का मस्कारा यूज कर रही हूँ और मस्कारा लगाते टाइम थोड़ा ध्यान रखा करो ये ना हो कि आपके आईब्रोज तक आपका मस्कारा चला जाए और वो पैच छोड़ जाए तो थोड़ा सा आईब्रोज वगैरह के टाइम पे आई मेकअप के टाइम ना थोड़ा ध्यान रखा करो कि ज्यादा जल्दी जल्दी ना करें हम अब लोअर लिड जो है उस उसपे भी मस्कारा अप्लाई करना जरूरी होता है हम लोग भूल जाते हैं इसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लिप लाइनिंग किया करो तो लिप लाइनिंग करना बहुत जरूरी होता है अगर आप लिप लाइनिंग करें बिना ही लिपस्टिक लगाते हो ना तो आपकी जो लिपस्टिक है ना वो ऊपर नीचे चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा अब यहाँ पे कलर देखो मैंने पहले डार्क लिया अब लाइट लिया मैं इसको ऐसे छोड़ूंगी थोड़ी अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी ना इन दोनों को ब्लेंड करती जाऊंगी और आपको रियलाइज होगा कि यार ये पूरा मेकअप कितना सुंदर लग रहा है मतलब पिंक लहंगा नॉट सो पिंक आईज एंड लिपस्टिक भी पिंक तो ऐसा ना आपको जब भी अपना लुक क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो डिसाइड कर लिया करो ये हमारी मॉडल देख लो जी कितनी सुंदर लग रही है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ